इंदौर में एक्टिवा की डिक्की में रखे 2 लाख रुपए बदमाशों ने उड़ा लिए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हम आपको बता दें कि इंदौर शहर में यह 3 दिन में लगातार तीसरी वारदात है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक बर्तन व्यापारी के नौकर की गाड़ी की डिक्की से 2 लाख रुपए गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बर्तन व्यापारी का नौकर गोवर्धन जब सरवटे बस स्टैंड पर खड़ा था, तभी पता पूछने के बहाने उसे एक महिला ने बुलाया। जब गोवर्धन महिला से बात कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 युवक डिक्की खोलकर 2 लाख रुपए ले भागे। पूरी घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद होने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाशी में जुट गई है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।